ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਸਾਂਭਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। दस दिए कि इस व्यक्ति का विआह 2010 में होया सी। उसने पटीशन विच कहा कि उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ के नाल फोन उत्ते गल्लां करती रहिंदी सी अते घर का काम नहीं करती सी। दूजे पासे औरत ने दावा किया कि दफ्तर तो परतन तो बाद उसनू सारा घर का काम करने लिए मजबूर किया जाता सी। जो उसने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी तो उसके नाल दुर्व्यवहार किया जाने लगा। बैंच ने अपने हुक्म दे विच कहा कि मर्द अते औरत दोवें नौकरी पेशा सन अते पत्नी तो सारे घर के काम करने की उम्मीद रखना उल्ट मानसिकता नूं दर्शाउंदा है। अदालत ने कहा कि आधुनिक समाज में घरेलू जिम्मेवारियों का बोझ पति अते पत्नी दोवां नूं बराबर तौर ते चुकना चाहिए है। ब्यूरो रिपोर्ट दिशा प्रेट न्यूज के नाल धन्यवाद। बंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि आधुनिक समाज में घरेलू जिम्मेवारियां पति पत्नी नूं बराबर वंडनियां चाहिए हैं। जस्टिस नितिन सांभरे अते जस्टिस शर्मीला देशमुख दे डिवीजन बैंच ने यह टिप्पणी 6 सितंबर नूं 35 साला उस व्यक्ति की अपील नूं रद्द करदिआं कीती जिस विच उसने तलाक की अपील की सी। इस व्यक्ति ने तलाक की अपील संबंधी पटीशन खारज करन दे परिवारक अदालत दे मार्च 2018 नूं हुक्म नूं चुनौती दित्ती सी। तां दस दिए कि इस व्यक्ति का विआह 2010 में होया सी। उसने पटीशन विच कहा कि उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ के नाल फोन उत्ते गल्लां करती रहिंदी सी अते घर का काम नहीं करती सी। दूजे पासे औरत ने दावा किया कि दफ्तर तो परतन तो बाद उसनू सारा घर का काम करने लिए मजबूर किया जाता सी। अते जदों उसने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी तो उसके नाल दुर्व्यवहार किया जाने लगा। बैंच ने अपने हुक्म दे विच कहा कि मर्द अते औरत दोवें नौकरी पेशा सन अते पत्नी तो सारे घर के काम करने की उम्मीद रखना उल्ट मानसिकता नूं दर्शाउंदा है। अदालत ने कहा कि आधुनिक समाज में घरेलू जिम्मेवारियों का बोझ पति अते पत्नी दोवां नूं बराबर तौर ते चुकना चाहिए है। ब्यूरो रिपोर्ट दिशा प्रेट न्यूज के नाल धन्यवाद। बंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि आधुनिक समाज में घरेलू जिम्मेवारियां पति पत्नी नूं बराबर वंडनियां चाहिए हैं। जस्टिस नितिन सांभरे अते जस्टिस शर्मीला देशमुख दे डिवीजन बैंच ने यह टिप्पणी 6 सितंबर नूं 35 साला उस व्यक्ति की अपील नूं रद्द करदिआं कीती जिस विच उसने तलाक की अपील की सी। इस व्यक्ति ने तलाक की अपील संबंधी पटीशन खारज करन दे परिवारक अदालत दे मार्च 2018 नूं हुक्म नूं चुनौती दित्ती। दस दिए कि इस व्यक्ति का विआह 2010 में होया सी। उसने पटीशन विच कहा कि उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ के नाल फोन उत्ते गल्लां करती रहिंदी सी अते घर का काम नहीं करती सी। दूजे पासे औरत ने दावा किया कि दफ्तर तो परतन तो बाद उसनू सारा घर का काम करने लिए मजबूर किया जाता सी। अते जदों उसने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी तो उसके नाल दुर्व्यवहार किया जाने लगा। बैंच ने अपने हुक्म दे विच कहा कि मर्द अते औरत दोवें नौकरी पेशा सन अते पत्नी तो सारे घर के काम करने की उम्मीद रखना उल्ट मानसिकता नूं दर्शाउंदा है। अदालत ने कहा कि आधुनिक समाज में घरेलू जिम्मेवारियों का बोझ पति अते पत्नी दोवां नूं बराबर तौर ते चुकना चाहिए है। ब्यूरो रिपोर्ट दिशा प्रेट न्यूज़ के नाल।